100 से ज्यादा लोगों के घर पानी से महरूम है। वहाँ पर बोरवेल भी नहीं है और पीने का पानी भी नहीं है। पहले 10 से 15 ट्रैक्टर पानी वहाँ पर जो है ना प्रोवाइड कराइए आप। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वार्ड नंबर 16 के कॉर्पोरेटर और चाहे गुलबर्गा नॉर्थ के MLA, इनके तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन या कोई काम नहीं हुआ है ना। अगर नहीं कंप्लीट करेंगे तो कल के दिन हम पूरे लेडीज को लेके पूरी आवाम को लेके हाकरगा रोड पे बंद करके स्ट्राइक पे धरने पे बैठने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर आज हम लोग वार्ड नंबर 16 के गुलशन अरफात कॉलोनी बिसाइड प्रिंस फंक्शन हॉल, जहां पर वाटर पाइपलाइन, ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन एयरटेल फाइबर वर्क की वजह से पूरा डैमेज हो चुका है। तकरीबन 1 महीने से यहाँ के लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। लगातार डिपार्टमेंट वालों को, वाटर बोर्ड वालों को, LNT वालों को कंप्लेन करने के बावजूद भी अभी तक इन लोगों को पानी नहीं मिला है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। इस तरीके से जो नेग्लिजेंसी हुई है, जबकि अगर कोई भी अगर काम होता है तो उसका विदाउट प्रिपरेशन और विदाउट परमिशन कोई काम करना नहीं चाहिए। जिस तरीके से एयरटेल फाइबर की वजह से जो डैमेज हुआ है उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए था LNT और कॉरपोरेशन को, लेकिन कॉरपोरेशन और LNT डिपार्टमेंट वाले टोटली इसको नेग्लिजेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वार्ड नंबर 16 के कॉरपोरेटर और चाहे गुलबर्गा नॉर्थ के MLA, इनके तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन या कोई काम नहीं हुआ है। ये सरासर गलत है। ये तमाम चीजें होने के बाद यहाँ के लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI गुलबर्गा के जिम्मेदारों को यहाँ पर उन्होंने अप्रोच किया। उसके बाद हमने वहां पर जब विजिट करके देखा तो 100 से ज्यादा लोगों के घर पानी से महरूम है। वहां पर बोरवेल भी नहीं है और पीने का पानी भी नहीं है। तो हमारा डिमांड है कि इमीडिएटली कॉरपोरेशन, LNT, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और गुलबर्गा नॉर्थ MLA, इन्होंने इमीडिएटली वहां पर जाकर विजिट करें। विजिट करके वहां का जो पाइपलाइन का जो डैमेज हुआ है उसको इमीडिएटली ठीक करवाए, और जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक उस एरिया के अंदर डेली 10 वाटर टैंकर भेजा जाए। अगर ये नहीं होगा तो 10-12 दिन के वर्किंग डेज के अंदर अगर ये नहीं होगा तो वहां के लोगों को साथ में लेकर इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। गुलबर्गा नॉर्थ MLA, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, कॉरपोरेशन और LNT, इन तमाम लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। जुबर रहमान बात कर रहा हूँ SDPI से। हम वहाँ पे जो LNT वाले की जो डैमेज करके गए हैं उससे 100 से ज्यादा लोग जो है ना पानी की तकलीफ उठा रहे हैं। और वहाँ पर सुना मैं कि एक बच्चा भी जो है ना खेलते खेलते बच्चा भी गिर गया है। ये एक नुकसान, बच्चे का भी एक बड़ा नुकसान है। इस वजह से हम यहाँ पे मेमोरेंडम दे चुके हैं। तो इससे हमारे SDPI से हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द के ऊपर जो है ना कार्रवाई और उसका काम जो है ना जल्द से जल्द काम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। गुलशन अरफात कॉलोनी में एक LNT वालों के, एयरटेल वालों की वाईफाई की वजह से नीचे से पाइप जो है ना नल का पूरा डैमेज हुआ है। पूरा एक 100 से 150 मकान है वो पूरे बेघर पानी के हो गए हैं। वहां से बोरिंग में का भी पानी नहीं आ रहा है दिनों से, और जो है ना नल भी 20-25 दिन से बंद है। फिर हम अली मिलाही साहब को कॉल करें, कल उन्होंने आके विजिट करें, हमको कोऑपरेट करें, करके जो है ना कॉरपोरेशन में हम एक मेमोरेंडम देंगे, इमीडिएटली इसको एक्शन लेने के लिए कहेंगे। हम लगातार एक 20 दिन से कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं। पहले तो 10 दिन नल नहीं खुला, उसका फिर 20 दिन में सिर्फ एक 15 फीट खड्डा खोदे, 6 फीट का अंदर डीप और 15 फीट ऐसा लंबाई का खड्डा खोदे हैं, उस पर अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। सामने घर के दरवाजे हैं, बच्चे अंदर जाके गिर रहे हैं छोटे, परसों भी एक बच्चा अंदर गिरा है। फिर हम इमीडिएटली हम जाके हॉस्पिटल को बता के करके आए। फिर हम वो नसीर भाई जो है नल खोलते उनको जाके हम मिले, क्या है नसीर भाई काम करो। मैं क्या करूं सर, सिर्फ 2 लेबर काम कर रहे, एक फोड़ा एक खुदाली से काम नहीं होता। वो पूरा यहाँ से 1000 सेंटीमीटर वो पार की गली तक पूरा डैमेज हुआ है पाइप। वहाँ पूरा पानी, इमीडिएटली पानी की सख्त जरूरत है। कल कॉल करे तो सिर्फ 1 या 2 ट्रैक्टर पानी भेजे वो एरिया में खाली, तो 1 या 2 ट्रैक्टर पानी से सिर्फ 4 घर का पानी होता, पूरे 100 घर का पानी नहीं होता। डेली 10 से 15 ट्रैक्टर पानी वहाँ पर जो है ना प्रोवाइड कराइए आप। और इंशाल्लाह जो भी है अलीम भाई को बोल के कॉर्पोरेशन कमिश्नर को जो है ना एक इमीडिएटली लेटर दिए हैं, जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेके काम करके कंप्लीट करके देना। अगर नहीं कंप्लीट करेंगे तो कल के दिन हम पूरे लेडीज को लेके पूरी आवाम को लेके हाकरगा रोड पे बंद करके स्ट्राइक पे धरने पे बैठने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर आपको जो है ना फिर कुछ बड़ा एक्शन लेने से पहले जल्द से जल्द काम करके दीजिए। बस इतना कहते हैं, अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।